आदर्श, इस वक्त हम वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से बहुत बुरी खबर है, लेकिन वाघा अटारी सीमा पर इस वक्त चल रहा है आजादी का जश्न और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने वाली है। कोरोना नियमों के बावजूद भीड़ पूरी तरह से यहां आने की इजाजत अभी नहीं है, बावजूद उसके आप देख सकते हैं किस तरह से शोरगुल और उस परेड के स्वागत के लिए तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दोनों तरफ से BSF के जवान तैनात हैं, एक तरफ से जीरो लाइन की तरफ बढ़ने को और दूसरी तरफ जो परेड आ रही है उसके स्वागत के लिए लोगों की और BSF के जवानों की जीरो लाइन से पहले भीड़ और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पाक रेंजर्स भी इस परेड को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि आखिरकार इस परेड का आयोजन कब शुरू हुआ था। 1947 में 15 अगस्त को मुल्क आजाद हुआ और पहली बार यहां पर झंडा फहराया गया था 11 अक्टूबर 1947 को, और उस वक्त पंजाब पुलिस के पास जिम्मा होता था जॉइंट चेक पोस्ट बोला जाता था, JCP बोला जाता था अटारी वाघा बॉर्डर को, और जो दिल्ली से लाहौर रास्ता जाता था उस रास्ते पर पिलर नंबर 102 था, वहां पर जॉइंट चेक पोस्ट बनाई गई थी भारत के विभाजन के बाद 15 अगस्त 1947 को। यह है इस जगह का खास महत्व। और शुरुआती दौर में पंजाब पुलिस के पास सुरक्षा का सारा जिम्मा रहा। एक बार आपको पाकिस्तान की तरफ भी दिखा देते हैं कि क्या हालचाल है। ये पाकिस्तान की तरफ भी दर्शक दीर्घा में लोग मौजूद हैं और जीरो लाइन के उस तरफ पार्क रेंजर्स मौजूद हैं और जीरो लाइन के इस तरफ भारत की तरफ ऊंचे लंबे कद काठ वाले BSF के जवान तैनात है। ये गेट खुलेंगे अभी, लेकिन गेट खुलने से पहले आपको बता दें कि ज्वाइंट चेक पोस्ट अटारी वाघा सीमा पर आखिरकार कब BSF ने शुरुआत की इस रिटिंग परेड की। बीटिंग रिट्रीट परेड अपने आप में दुनिया में अलग तरह की परेड है, जहां जोश हर्षोल्लास से दो अलग अलग मुल्कों के जिनकी की आपस में दुश्मनी है वो मुल्कों की फौज एक साथ परेड करती है और इतने गर्मजोशी से परेड होती है कि दुनिया की किसी भी कोने में किन्हीं मुल्कों के बीच में इस तरह की परेड नहीं होती है। अटारी का नाम श्याम सिंह अटारी के नाम पर पड़ा था। श्याम सिंह अटारी महाराजा रंजीत सिंह के सेनापति हुआ करते थे और ये अटारी कस्बा जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां ये ज्वाइंट चेक पोस्ट है, वहां ये उनकी जागीर का हिस्सा हुआ करती थी। ये देखिए अटारी वाघा सीमा पर शुरू हो चुकी है BSF की द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत। सबसे पहले नारी शक्ति महिला BSF जवान जीरो लाइन की तरफ बढ़ते हुए, तेवर देखिए सेरेमोनियल ड्रेस में दोनों जीरो लाइन की तरफ पहुंचती हुई, ये सैल्यूट किया दूसरी बार, ये पीछे घूमी, और यही शान है। ये गर्मजोशी से होने वाली परेड दुनिया में शायद इकलौती परेड है जो सिर्फ वाघा अटारी पर होती है। परेड की खास बात यह है कि इसका अंदाज अपने आप में सबसे अलग है। जो हाव भाव परेड का जो अंदाज है वो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता, इसीलिए ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर बसते लोग भी इस परेड को देखने के लिए अमृतसर आते हैं। ये देखिए टुकड़ी के दो और जवान जीरो लाइन की तरफ बढ़ते हुए। द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी परेड की शुरुआत हो चुकी है। आजादी के जश्न के दिन लोगों के हर्षोल्लास के साथ BSF के जवान जीरो लाइन की तरफ बढ़ते हुए कदम ताल करते तेज रफ्तार से, देखिए सिर से ऊपर तक जाता है इनका घुटना और इनका पांव। कदम ताल का ये अंदाज दुनिया में कहीं भी और देखने को नहीं मिलता जो यहां अटारी सीमा पर मिलता है। 1 दिसंबर 1965 से BSF इस परेड का संचालन कर रही है, तभी BSF का स्थापना हुआ था और उसी के बाद से यह काम BSF को सौंपा गया था। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश बॉर्डर तक 7000 किलोमीटर का बॉर्डर BSF के अधीन है। BSF उसकी निगरानी करती है और ये अटारी सीमा पर एक बार
बीएसएफ के लंबे ऊंचे जवान परेड की शक्ल में ये टुकड़ी बढ़ रही है। देखिए शानदार परेड का मुजाहिरा करते हुए अटारी से वाघा की तरफ, ये अंदाज देखिए, गजब की परेड होती है ये। जब सड़क पर कदम ताल के पांव टकराते हैं तो आवाज पाकिस्तान तक जाती है, यही खासियत है इस परेड की। देखिए ये जो अंदाज है ना परेड का, ये परेड का अंदाज कोई अकेले बीएसएफ तय नहीं करती है, बल्कि पाक रेंजर्स और बीएसएफ के अधिकारी बैठकर तय करते हैं ताकि इस परेड को रोचक बनाया जा सके। साथ ही दोनों देशों में किस तरह के रिश्ते हैं वो इस परेड के जरिए दिखाए जा सके, यही खासियत है इस परेड की और यही नायाब अंदाज इस परेड को दुनिया में अलग दर्जा दिलवाता है। बीएसएफ जवानों की ये परेड 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया इसी तरह से इज्जत शोहरत बटोरती रही है। 1 दिसंबर 1965 से लेकर आज 15 अगस्त 2021 तक बीएसएफ इस परेड को अंजाम दे रही है, अपने देश को गौरवान्वित कर रही है और गौरव का इलामा देखिए, फौलाद सा सीना चौड़ा करके कैसे खड़े हैं बीएसएफ के जवान और दुश्मन को आंख दिखाई जा रही है। यह परेड का अंदाज है, इसीलिए इस परेड को देश विदेश में तारीफ मिलती है। इस परेड को तैयार करने के लिए जवानों को खास मेहनत करनी पड़ती है, ये देखिए, और जोश तो इतना यहां आ जाता है कि मानो लगता है कि मातृभूमि के लिए हर कोई मरने मिटने को तैयार है। ये जोश, ये जज्बा पूरे देश में भरती है ये परेड। हथियारों के साथ फौलाद से सीने फुलाए खड़े हैं बीएसएफ के जवान। 20 मिनट की ये परेड होती है, लेकिन इन 20 मिनट में आदमी इसको अगले पल देखने के लिए इंतजार करता है। अटारी भारत की तरफ से आखिरी गांव पड़ता है, उसके बाद पाकिस्तान की जीरो लाइन से आगे वाघा की सरहद शुरू हो जाती है और वाघा पाकिस्तान का गांव है। वाघा और अटारी के बीच में जीरो लाइन है और 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो दिल्ली से लाहौर जाने वाले सड़क मार्ग पर पिलर नंबर 102 के पास ये ज्वाइंट चेक पोस्ट बनाई गई थी, जहां पर भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों का वीजा चेक किया जाता है और इसी को कहा जाता है सबसे बड़ी सरहद, वाघा अटारी सरहद। कमांडर ने इजाजत मांगी है रिट्रीट सेरेमनी को शुरू करने की। इस वक्त बीएसएफ के स्पेशल डीजी सुरेंद्र पवार यहां पर मौजूद हैं। ये देखिए परेड कमांडर जीरो लाइन की तरफ बढ़ते हुए। देखिए जो परेड में जो जवान बीएसएफ के शामिल होते हैं ना, उनका मूछ रखने का अंदाज, उनका परेड करने का अंदाज सब अपने आप में नायाब होता है। ये खुल गई सरहदे, देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी उसी तरह की परेड की जा रही है पाक रेंजर्स की तरफ से, और अब जो सरहद के बीच में दीवार थी वो हट गई है, जीरो लाइन खुली पड़ी है और ये रोज शाम को ऐसा ही मौका आता है जब ये दोनों गेट खुलते हैं सूर्यास्त के समय। रोजाना दोनों मुल्क सहज सम्मान के साथ अपना अपना झंडा उतारते हैं और ये वो पल आ गया जब दोनों सरहद के बीच की आखिरी दीवार भी खत्म है, जीरो लाइन पर दोनों तरफ से जवान खड़े हैं। ये शानदार परेड हो रही है, ये लम्हा बड़ा शानदार होता है, बहुत शानदार लम्हा होता है ये जब दोनों देशों के जवान एक दूसरे को अपने बाहुबल का परचम दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, ये अपने आप की अलग परेड है, बाहुबली परेड कह सकते हैं। भारत के बीएसएफ जवान अपना जोश, अपना जज्बा, अपना दम दिखाते हुए सामने पाक रेंजर्स हैं। ये देखिए बीएसएफ के जवान 6.5 से 6.5 फुट लंबे हैं और जब वो अपना पैर जमीन पर पटकने के लिए कदम ताल करते हुए उठाते हैं तो वो उनके सिर से ऊपर तक जाता है। कल्पना कीजिए आप कितनी तैयारी और कितने जोश के साथ इस परेड को अंजाम दिया जाता है। पाकिस्तान की तरफ
ढोल बज रहा है, पाक रेंजर्स खड़े हैं, और इधर बीएसएफ के जवान और दीर्षक दरगाह से भारत माता की जय, वंदे मातरम, और बीएसएफ जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए भारतवासियों की पुकार, जोश, जबरदस्त। आजादी के जश्न के मौके ये माहौल देखने लायक होता है। एबीपी न्यूज पर आप खास तौर से ये कवरेज देख रहे हैं। परेड की गरिमा भी बनी रहे और दोनों मुल्कों के बीच का जोश और जज्बा भी पता लग जाए। देखिए, एक और जवान AK-47 राइफल लिए आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, पगड़ी के तुरले के ऊपर तक जाता है इनका पांव। एक बार गौर कीजिएगा, ये देखिए, ये मूंछों को ताव दिया जा रहा है। ये बीएसएफ के जवान जो भी करते हैं ना, ये सब कुछ पहले से तय मापदंडों के तहत होता है। देखिए कैसे बुझाए, फैलाए, असॉल्ट राइफल कंधे पे टांगे। बीएसएफ का 6.5 फुट ऊंचा लंबा जवान अपना तेवर दिखा रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि बीच से गेट की जो दीवार थी वो हट चुकी थी। सामने पाक रेंजर्स भी उसी अंदाज में। पांव का अंदाज देखिए, पांव कहां तक जाता है ये देखिए, गुस्सा देखिए, तेवर देखिए, आंखें देखिए, किस तरह से, जैसे अगर एक बार इजाजत मिल जाए तो दुश्मन को चबा जाएं, इस अंदाज में होती है ये परेड। और जिस दिन आजादी का जश्न होता है उस दिन तो बीएसएफ जवानों के हौसले और परेड का अंदाज मानो जैसे और नूर आ गया हो इनके हुनर में। ये देखिए, पहली बार अटारी वाघा बॉर्डर पर 11 अक्टूबर 1947 को तिरंगा फहराया गया था। 15 अगस्त को मुल्क आजाद हुआ और 11 अक्टूबर को तिरंगा फहराया गया। तब पंजाब पुलिस के पास जिम्मा था इस सरहद की, इस ज्वाइंट चेक पोस्ट की रखवाली का। लेकिन 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ के गठन के बाद इस सरहद का जिम्मा बीएसएफ के ऊपर है, और तब से बीएसएफ ना सिर्फ इस बॉर्डर की हिफाजत करती है बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर बांग्लादेश तक, पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर की निगरानी का, 7000 किलोमीटर की सरहद की निगरानी और देश की वहां सुरक्षा करने का जिम्मा बीएसएफ के पास है। रोज शाम को सूर्यास्त के वक्त ये परेड होती है, दोनों मुल्क अपने अपने झंडे उतारते हैं। ये देखिए, 20 मिनट की इस परेड में एक भी पल ऐसा नहीं होता है जब किसी को लगे कि पलक झपक ले। हमेशा ये रहता है कि कोई अंदाज मिस ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए, इसलिए बिना पलक झपकते, ये देखिए, मानो अखाड़ा हो। ऐसी परेड होती है कि जीरो लाइन थोड़ी देर के लिए अखाड़ा लगने लगती है। थोड़े दिन पहले जैसे आपने टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया को देखा होगा, बजरंग पुनिया को देखा होगा, उसी अंदाज में देखिए भारत के जवान भी पाकिस्तान के पाक रेंजर्स के सामने सीना फौलाए, भुजाओं को लहराते हुए, आंखों से आंखों में देखते हुए तेवर दिखाते हैं। ये स्टाइल, ये अंदाज देखिए, ये गजब की परेड है। फिर मूंछों को ताव दिया जाता है, कभी भुजाएं दिखाई जाती हैं, कभी कंधे फटकाए जाते हैं, और कभी तेज गति से कदम ताल करते हुए जीरो लाइन यानी पाकिस्तान की तरफ बढ़ा जाता है। पिलर नंबर 102, याद रख लीजिए आप, पिलर नंबर 102 वो जगह है जो भारत पाकिस्तान सरहद पर अटारी और वाघा को बांटती है। वाघा पाकिस्तान का पहला गांव है और अटारी भारत का आखिरी गांव। दिल्ली लाहौर सड़क मार्ग पर ये ज्वाइंट चेक पोस्ट बनी हुई है। दोनों तरफ शानदार परेड का मुजाहिरा किया जा रहा है पाक रेंजर्स और बीएसएफ के जवानों की। एबीपी न्यूज पर आप सीधी कवरेज देख रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर से। एक तरफ अफगानिस्तान में गुलामी दस्तक दे रही है, तालिबान काबुल के बाहर तक पहुंच चुका है, उसकी दहलीज पर दस्तक दे रहा है, और भारत में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है।
ये देखिए एक और जवान, टुकड़ी का एक और जवान आया। देखिए पांव, देखिए कहां तक जाता है, ये अंदाज देखिए। ये परेड इतना जोश भर देती है कि पूरा मुल्क गौरवान्वित महसूस करता है। ये देखिए झंडा खोलने की और अब तिरंगे को नीचे उतारने की रस्म पूरी की जाएगी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। परेड अपने समापन की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही झंडा सह सम्मान नीचे आएगा, तिरंगे को दोनों भुजाओं में समेटे बीएसएफ जवान वापस, और झंडा उतारने का जो अंदाज है वो भी इतना नायाब होता है कि गजब का होता है। इतनी फुर्ती, इतना जोश और इतनी हिम्मत दिखाई जाती है उस वक्त। ये देखिए हल्की मुस्कुराहट और उसके साथ तेजी से झंडा उतारने के लिए परेड के अंदाज में, ये सेरेमनी बड़ी नायाब है। झंडा उतारने का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये वो रस्म होती है जिसके बाद रोज शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच ये सरहद बंद हो जाती है और फिर अगले दिन सुबह 10 बजे जिन लोगों को जाना होता है उनके लिए खोली जाती है। लेकिन फिलहाल पिछले साल यानी मार्च 2020 से सिर्फ स्पेशल केसेस में ही इस बॉर्डर को खोला जाता है, और परेड के लिए जो आम लोग यहाँ पहुँचते थे भारत की तरफ से, उनकी भी मनाही है कोरोना का ध्यान में रखते हुए। दर्शक दीर्घा मैं सभी लोगों को आने की इजाज़त नहीं है, कोरोना नियमों के मुताबिक ही लोग यहाँ पर आ पाते हैं। और दोनों तरफ से तैयारी हो चुकी है पूरी। वो लम्हा आने वाला है जब झंडे उतारे जाएंगे, सह सम्मान झंडे उतारने का ये रस्म रोज शाम को अदा की जाती है। दोनों तरफ तीन तीन जवान एक तरफ और दो दो जवान एक तरफ खड़े हैं, यानी पांच पांच जवान दोनों तरफ से जीरो लाइन के आसपास मौजूद हैं। बिगुल बजने की तैयारी लगभग, जैसे बिगुल बजेगा झंडा उतारने की रस्म शुरू होगी। तो इस तरह से बाघा अटारी सीमा पर झंडा उतारने की रस्म पूरी हुई, और देखिए जवानों में हलचल। अब तिरंगे को बीएसएफ के जवान दोनों भुजाओं में लेकर अटारी चेकपोस्ट की तरफ बढ़ेंगे, और ये परेड अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है लगभग दोनों तरफ से। इसके बाद जीरो लाइन पर लगे हुए गेट बंद होंगे और ये बीएसएफ के जवान तिरंगा अपनी भुजाओं में लेकर बढ़ गए अटारी सीमा की तरफ। और अब दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान का झंडा लेकर पाक रेंजर्स उस तरफ वाघा की तरफ बढ़ गए हैं। अब परेड खत्म हुई और अब दोनों मुल्कों के बीच ये जो सरहद है इसके गेट बंद होंगे। अब वो पल आने वाला है जब बीएसएफ और पाक रेंजर्स इन गेट्स को तेजी से बंद करेंगे। पहले ये गेट काफी छोटे हुआ करते थे लेकिन अब
इनकी ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है और दोनों तरफ से इनको इनके आकार को भी बदला गया है। ये लगभग आखिरी पड़ाव है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का ये आखिरी पड़ाव है और इस जोशीली परेड का यहीं पर समापन होगा। लेकिन खास बात यह रहती है कि जब जश्न आजादी का हो तो फिर बीएसएफ जवानों के और भारतवासियों के हौसले बुलंद होते हैं, देखने लायक होते हैं। आज की शानदार परेड का मुजाहिरा किया और इस परेड के अंत के बाद अब जीरो लाइन पर गेट बंद होने की बारी है। और जिस अंदाज में ये परेड हो रही है ना, जितने जोश में, उसी अंदाज में उतनी ही तेजी से ये फौलादी हाथ इसी रफ्तार से गेट को बंद करेंगे। आप चूकिएगा नहीं, टीवी स्क्रीन पर नजर बना के रखिएगा। एबीपी न्यूज पर आप अटारी वाघा सीमा से जश्न आजादी की ये वो परेड देख रहे हैं जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग अटारी सीमा पर आते हैं। बीएसएफ के जवान देखिए गेट बंद करने के लिए तैनात और इस तरह से जीरो लाइन को एक बार फिर दोनों तरफ से ये जो द्वार है इन्होंने कवर कर लिया है और ये परेड का लगभग अंत होगा। लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि देश दुनिया में इतनी जानदार, इतनी शानदार परेड कोई नहीं करता जितनी अटारी वाघा सीमा पर बीएसएफ के जवान करते हैं। ये टुकड़ी करती है, इनकी हौसला अफजाई बनती है और इसीलिए बड़ी संख्या में भारतवासी यहाँ पर आते हैं इनकी हौसला अफजाई करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में एबीपी न्यूज पर यह परेड देख रहे हैं तो आप भी भारतीय सेना की, बीएसएफ के जवानों की और सरहद और इस देश की रक्षा में लगे हर नौजवान की हौसला अफजाई कीजिए। क्योंकि अगर हम चैन से सोते हैं तो ये वो जवान है जो जागते हैं और इस तरह से ये फिटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का अंत हो रहा है और अब ये गेट बंद हो चुके हैं। इसके बाद ये जवान अपने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे और इनके कंधों पर फिर वही भार होगा जो रोजाना की तरह होता है। इस तरह से जश्न आजादी के मौके पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का ये अंत हुआ और अब बीएसएफ के जवानों के साथ ये तमाम लोग जाकर फोटो खिंचवाने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ जहां अफगानिस्तान में आज गुलामी की जंजीरें काबुल तक पहुंच गई हैं, वहीं इस देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और हम 75वीं वर्षगांठ आज मनाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं हर्षोल्लास से। लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीर हम एबीपी न्यूज पर आपको पहुंचा रहे थे जिससे देखकर ये लगता है कि हमारा मुल्क कितना स्वतंत्र है, हम कितने आजाद हैं।